एक बार बूट खोलियो कार की। पीछे ही ये कार की बूट स्पेस दिखाएंगे हम आपको। पीछे के एसी वेंट्स, एसी स्टार्ट हो गया पीछे। सर इसमें पीछे अलग एसी वेंट्स है, इसके मतलब अलग कंट्रोलर है? सॉरी ब्लोअर है, मतलब कंट्रोलर इसका अलग दिया हुआ है। हाँ, मेरे नंबर के लास्ट में 48 है, उनका 28 है। हाँ, आप करिए कॉल और यही चीज बता दीजिए उनको। कैसी लग रही है पिकअप? ओके ना, मुझे रिस्पांस चाहिए तुरंत। पिकअप पिक करके देखियो एकदम ना। ओके, स्पोर्ट्स मोड पे इस वक्त तेरी कार। स्पोर्ट्स मोड पर है। पिकअप तो अच्छा ले रही है गाड़ी यार। बढ़िया ले रही है ना पिकअप। नेविगेशन इक्विप्ड है सर इसमें? और ये सर हाँ एंड्रॉइड ऑटो है। आपको इसका डाउनलोड करना पड़ेगा मोबाइल में। डाउनलोडिंग होगी? ये एंड्रॉइड ऑटो का जो ऐप है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, फिर आप उसके थ्रू जो है इसमें वॉइस कमांड यूज कर सकते हैं, कोई ब्लोअर की स्पीड बढ़ानी है कम करनी। सब स्क्रीन के थ्रू होएगा सब कुछ? मतलब सर टियागो के बाद गाड़ी में टाटा ने सारे चेंजेस ले आए। टियागो, हेक्सा, टिगोर और नेक्सन। सर क्या एवरेज क्या क्लेम्ड है इसकी? 22 क्लेम है, लेकिन कुछ कस्टमर हमारे ऐसे भी हैं जो लॉन्ग रूट पे ज्यादा चलते हैं तो वो 25 का रहा है। और सर कौन सा मोड पे? किसी भी मोड में चेक लीजिए, किसी में भी। बस ये है कि उसमें कंफर्ट चाहिए होता है कि आपको ज्यादा। एयरबैग्स कितने सर इसमें? 2 एयरबैग। तो एक बार सर इसका ग्लोव बॉक्स खोलना। तो अच्छा इसमें ये वो हो गए, दो ग्लास होल्डर हो गए, मोबाइल होल्डर है। हाँ जी, और एक वो शेर का सर। ये सर बताते हैं मेड इन इंडिया की पहचान जी। इसका डिजिटल मीटर। हाँ जी सर। हेलो, खाना खाने आ रहा हूँ अभी, बस टेस्ट ड्राइव हो गई है। टेस्ट ड्राइव हो गई है, बस आ रहा हूँ। जिसके अंदर मिलते हैं ग्लास होल्डर्स। सर ओवरऑल कार अच्छा पैकेज ला रही है। अच्छा पैकेज क्या पड़ेगी सर? ऑन रोड टॉप वेरिएंट ये 11 लाख का है टॉप मॉडल। ठीक है, उससे नीचे? उससे नीचे आ जाएगा आपको 10 लाख का। 10 लाख का मिड मॉडल, सेकंड टॉप। और मिड मॉडल जो आ जाएगा वो आपको 8 लाख के समथिंग। और स्टार्टिंग बेस मॉडल डीजल में एक्सशोरूम 685। ठीक है, अभी प्राइस इंक्रीज हुआ है तो। सर आप एक बार अपने उसका शोरूम का नाम और अपना नाम बता दीजिए। सागर मोटर्स, नोएडा, सेक्टर 5। मतलब जब अब ये है कि सर मोस्टली जो वीडियो देखेगा ना वो आप ही के शोरूम से और आप ही के थ्रू मैं उसको आपका वो दूंगा लिंक। सब सर कोई आपको इसमें में प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये ठीक है। ओवरऑल भैया ने बहुत ही अच्छा गाइड करा है। कार एक बहुत ही अच्छा पैकेज है, मतलब अगर आप लेना चाहते हो ब्रेजा तो ब्रेजा को पूरी टक्कर देती है नेक्सन। हमने ड्राइव करके भी देखा है हर मोड पे, स्पोर्ट, सिटी और इसका इको मोड। सिटी मोड पे थोड़ा पिकअप लेस हो जाता है, लेकिन अगर आप वही सिटी मोड पे पिकअप लेस हो जाएगा बट उस पर जो है आपको एवरेज अच्छी मिलेगी। सेम ऐसे ही इको मोड पर है, पिकअप लेस हो जाएगा बट एवरेज अच्छी मिलेगी। और स्पोर्ट्स मोड पे तो आप जितना तगड़ा थ्रॉटल दोगे उतनी तगड़ी आपको पिकअप मिल जाएगा। पिकअप कहीं लैक नहीं करता। यहाँ पे वॉइस कमांडेशन सिस्टम है, ये लाइट। सर और कुछ एक्स्ट्रा जो आप बताना चाहोगे इसके बारे में, नेक्सन के बारे में जो टाटा ने चेंजेस दिए हैं? वॉइस कमांड एक अच्छा ऑप्शन है इसमें। आप ड्राइव करते वक्त आपको जो है कभी भी मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे हमें देखना पड़ता है।
या किसी भी इधर उधर कहीं भी ध्यान आपको नहीं लगाना पड़ेगा। ये वॉइस कमांड का बटन दिया गया है, इसको आप प्रेस करेंगे, ये बटन है सर, हाँ इसको प्रेस करते ही आप सकते हैं किसी को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज रीड आउट, मतलब वो सारा होगा हमारे स्क्रीन के उससे, हमारे स्क्रीन पे ही होगा। ठीक है, बूट स्पेस सर इसमें कितना दे रही है कंपनी? 350 लीटर का बूट स्पेस है। और कार सर अंदर से भी वैसे ओवरऑल काफी स्पेशियस है, काफी लेगरूम मिल जाता है कार में, भी बहुत है सिटिंग में। ओवरऑल नेक्सन एक बहुत ही अच्छा पैकेज है, और जिसको मतलब मैं कहूंगा अगर जो ब्रेजा लेना चाहता है एक बार, जिस जो टाटा का आपका माइंडसेट बना हुआ है कि टाटा का जो इंजन काम का नहीं होता, मैं कहूंगा एक बार नेक्सन ड्राइव करके जरूर देखिए, क्योंकि टाटा ने बहुत इंप्रूव कर चुकी है, इंप्रूव किया टाटा इतनी डेवलप हो चुकी है कि अब वो एक सुजुकी को टक्कर दे सकती है। और आपकी सर मेरे ख्याल से सेल्स भी इसी की नेक्सन की बहुत ही हाई रही है, मे बी नेक्सन की सेल्स भी हाई है, वो अभी विद इन अ वीक के अंदर एनडीटीवी ने और ऑटो कार ने जो मैगजीन है उसने अवार्ड भी दिया है इस कार को, कार ऑफ द ईयर का इसको अवार्ड मिला, ईयर और बेस्ट डिजाइन का अवार्ड। और सर इसमें कलर्स कौन कौन से अवेलेबल है? इसमें व्हाइट सिल्वर रेड ब्लू, व्हाइट सिल्वर रेड ब्लू, सिल्वर रेड ब्लू ग्रे और ग्रे है। इसमें सर जो म्यूजिक सिस्टम है वो पावर्ड बाय हरमंस का है, ठीक है, जिसमें हमारे को चार स्पीकर्स मिलते हैं ये डोर्स पे, ये क्रोम की प्लेटिंग है हमारे डोर ओपनर पे, एक स्पीकर ये रहा, प्लास्टिक क्वालिटी भी काफी इंक्रीज हो चुकी है इसकी सर, बिल्कुल। अब आप देख सकते हैं बैक साइड का कैमरा खुला है स्क्रीन पे, किस तरीके से असिस्ट कर रही है हमारे को, जबकि सराउंडिंग्स तक दिखा रहा है, अगर हम गाड़ी बैक करेंगे हमें पता लगेगा कि सराउंडिंग्स में कोई कार आ रही है और हमारे को किस पैच में अपनी गाड़ी अंदर की तरफ काटनी है और किधर काटनी है। एक मॉडल हमारे सामने नेक्सन का ये खड़ा है रेड कलर के अंदर, और हम इस वक्त जिसमें बैठे हैं वो है ब्लू कलर का मॉडल। सर और कौन कौन से कलर वेरियंट्स हैं? ग्रे कलर आ जाता है, ग्रे कलर, सिल्वर, रेड, ब्लू, ग्रे, पांच ही कलर आते हैं, ठीक है। और सर पेट्रोल मॉडल की स्टार्टिंग? पेट्रोल मॉडल आपका जो है एक्स शोरूम इसका 576 जो है स्टार्टिंग हो जाता है, ठीक है। ऑन रोड आते आते ये आपको 7 लाख का पड़ जाएगा, टॉप मॉडल पड़ जाएगा। और सर पेट्रोल की एवरेज? पेट्रोल की एवरेज 17 की, और इसकी डीजल में 22। बाकी आप कह रहे हो कि जो मेंबर्स जो आपके कस्टमर्स हैं उन लोगों ने इसकी एवरेज 25 तक निकाली ऑन हाईवे, सर वो तो सर बताऊं मैंने भी वीडियो देखी 25 तक इसकी बाकी एवरेज निकली हुई है, मतलब ओवरऑल अगर मैं ये बताऊं, अगर मैं अगर चाहता हूं अपनी पर्सनल यूज पे कि अगर मैं सोचूं कि मेरे को गाड़ी लेनी है जो मिनी एसयूवी लेनी है तो मैं सर इसको प्रेफर करूंगा, क्योंकि मेरे को इसका चलाकर भी बहुत अच्छा फील लगा है, मेरे फ्रेंड को भी इसको चलाकर बहुत अच्छा फील लगा है, स्पेशियस है कार, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है कार के, जो स्टीरियो है वो बहुत अच्छा है, इंटीरियर बहुत अच्छा है, और जैगुआर ट्रे दे रखी है, मोड्स दे रखे हैं, तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा पैकेज है। और सर कार की सर्विस कॉस्ट क्या है? चार से साढ़े चार हजार में फुल सर्विस हो जाती है, बट एक पैकेज बनाया गया है टाटा मोटर्स की तरफ से, 16,000 पे कीजिए 2 ईयर या 30,000 किलोमीटर तक फ्री में कार की सर्विस, 16,000 पे कीजिए 2 ईयर्स या 30,000 किलोमीटर तक फ्री सर्विस करेगी, ये तो बहुत ही जिसे कहते हैं बेस्ट पैकेज टाटा ने प्रोवाइड करा है, और ऑल ओवर इंडिया में किसी भी टाटा मोटर के डीलरशिप पे आप जाएंगे तो आपको ये एप्लीकेबल। सर लोगों के माइंड में एक मोस्टली ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर्विस कॉस्ट क्या है, जैसे फोर्ड अपनी सर्विस कॉस्ट लोगों को लगता है कि फोर्ड की सर्विस कॉस्ट महंगी है, जो कि है भी, और सर लोग सर्विस को लेकर बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि परेशान रहते हैं कि हम लोग सर्विस कॉस्ट क्या पे करेंगे, तो जो ये आपने पैकेज बताया कि 16,000 पे कीजिए और 2 ईयर्स या 30,000 किलोमीटर तक सर्विस आपकी फ्री होगी, ये सब बहुत ही एक अच्छा पैकेज है। ओवरऑल मैं अपने फ्रेंड से पूछूंगा कैसी लगी भाई तेरे को चला के, वन ऑफ द नाइस कार मैन, बढ़िया परफॉर्मेंस, पिकअप सेगमेंट में इको स्पोर्ट एंड ब्रेजा से अच्छी है, पिकअप वाइज इन स्पोर्ट्स मोड इट्स थ्री मोड्स है हमारे, सिटी, स्पोर्ट्स और इको, इको और सिटी मोड आपको अच्छी वो देगा, एवरेज देगा कार की, और स्पोर्ट्स मोड तो आपको पता ही है कि जब आपको कार की परफॉर्मेंस चाहिए, पिकअप चाहिए तो स्पोर्ट्स मोड में, इस कार्स के मोड्स हैं, ये स्पोर्ट मोड 17 दिन हुए हैं, और अभी सिटी मोड प्लांट में भी 17 मॉडल, और ये इको मोड, और ये कार का स्पीडोमीटर 18 ही मिलेगा, कार का स्पीडोमीटर और ये टाइम तक अगर कोई ऑफर होगा फरवरी में तो आपको मिल जाएगा, आप उसे कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ।
कहाँ से बात कर रहे हैं सर? ये पूरी जैगुआर ट्रे और जो आपका है हैंडरेस्ट होता है वो ऊपर हो जाता है और ये इसे बिठा दिया तो ये कंप्लीट इंटीरियर बन गया है। सर जैसे तो ये टॉप मॉडल है, अगर हम सपोज बेस मॉडल लेंगे तो उसमें क्या क्या लैकिंग होगा हमें? बेस मॉडल में आपको ये स्क्रीन तो नहीं मिल पाएगी, ठीक है, ये टॉप मॉडल में आती है, आपको उसमें सिस्टम नहीं होगा, लेकिन एयरबैग्स आपको सेफ्टी फीचर देखें तो दो एयरबैग्स मिल जाएंगे, ठीक है, जो ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं वो भी चीज इसके अंदर है, मल्टी ड्राइव मोड्स, इको सिटी एंड स्पोर्ट्स जो तीनों मोड है हमारे जो आपको माइलेज देते हैं वो भी उसके अंदर मिलेंगे आपको, ठीक है। बट अगर आप थोड़ा सा बजट आप इंक्रीज करेंगे तो 50,000 के अराउंड में, तो 50,000 में आपको जो है चारों पावर विंडोज, म्यूजिक सिस्टम आपको मिल जाएगा, स्टेयरिंग पे कंट्रोल्स मिल जाएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कंट्रोल करने में, ये सारी चीजें आपको उसमें मिल जाएंगी। मतलब अगर बेस्ट हमारे लिए ऑप्शन होगा कि हम उसका जो है मिड मॉडल, मतलब बेस मॉडल से ऊपर का मॉडल लें, क्योंकि उसमें हम लोगों को जो लैकिंग फीचर्स हैं वो मिल जाएंगे, बेस मॉडल में जो लैकिंग है वो हमें मिड में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। फॉलो मी लैंप्स फॉर बूट लॉक एंड अनलॉक सिस्टम, दिस इज द की ऑफ टाटा नेक्सन।